गाइज वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। थोड़ा गला ख़राब है, मैनेज कर लेना। तो गाइज जिसने पहली पिछली वीडियो नहीं देखी वो पिछली वीडियो जाके देख लो। मैंने उसमें दिखाया था कि अगर जैसे क्रैक वर्जन हम खेलते हैं कम्युनिटी क्रिएशन वर्क नहीं करता है या फिर हमारा जो अकाउंट है वो परमानेंट ऑनलाइन बैन दिखा देता है स्क्रीन पर और कम्युनिटी क्रिएशन जो है वर्क नहीं करता है, उसको मैंने फिक्स करके दिखाया उस वीडियो में, ठीक है। तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसमें मैं ना केक व्यू जो टूल है ना तो मैं फ्री में देने वाला हूँ, पेड है लेकिन मैं फ्री में देने वाला हूँ। खुश हो जाओ, अब ताली बजाने लग जाओ। और ताली मत बजाओ, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और बेल आइकन को दबा देना, ठीक है। पर लेकिन पहले ये वीडियो देख लो, बाद में दबा देना। तो गाइज अभी जो इस वीडियो में है ना, हम ये देखेंगे कि सारी अरीनास को हम एक क्लिक में कैसे खोल सकते हैं। इसमें ही ब्रॉक लेसनर को खोल के दिखाऊंगा, इसमें ही पूरा जो माय राइज है वो खोल के दिखा दूंगा, सारे करेक्टर आपको शो कर दूंगा इस एक वीडियो के अंदर। पूरे यूट्यूब पे किसी ने भी एक वीडियो में इतना कुछ नहीं बताया होगा और पेड टूल को कोई देगा नहीं, सिंपल सी बात है। पर मैं दूंगा, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए काम करेगा, अपने लिए नहीं। तो वीडियो को जो है शुरू करते हैं, मैं अपने रिसाइकल बिन पहले क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ना हमको WWE अपनी खोलनी है जो हमारी गेम है। ये थोड़ा टाइम लेती है खुलने में, तो मैं खाते खाते शूट कर रहा हूँ, थोड़ा मैनेज कर लो, भूख लगती है यार सबको। जल्दी जल्दी खुल जा, जल्दी जल्दी खुल जा। मैं चाहता हूँ यार कहीं कोई पार्ट स्किप ना हो, है ना, फिर आपको भी दिक्कत होगी खामा का। मेरे पास पेड वर्जन भी है पर मैं आपको क्रैक वर्जन में करके दिखाऊंगा, क्योंकि भाई हर कोई यार सबका बजट नहीं होता ना कि भाई खरीद ले, ठीक है। पेड वर्जन में ही मैं, ये देखो मेरी ना अरीना सारी लोक है, देख लो, ठीक है, मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। अब ध्यान से एक एक स्टेप को देखना मैं क्या करने वाला हूँ। एक ना ट्रिब्यूट करके एक एप्लीकेशन है, ठीक है, उसका लिंक मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा, आप डाउनलोड कर लेना वहाँ पर जाके। इस ऐप को ना आपको खोल लेना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर खोलेगा ये। आपको ना यहाँ पर लिखना है अनलॉक ऑल, अनलॉक ऑल, एंटर डेटा, अनलॉक ऑल सक्सेसफुल, लिखा आ गया है यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं सच में काम कर रहा है नहीं कर रहा। फर्स्ट टाइम मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ, सब आंखों के सामने करता हूँ, पीछे से कुछ नहीं करता, पहले करके नहीं देख लेता हूँ, ठीक है। देखते हैं काम किया नहीं किया इसने। ये देखो एक चुटकी में इसने सारी अरीना खोल दी। अब ये पहले जैसे ना हो जाए इसके लिए हमको क्या करना है, रोस्टर में जाना है, सुपर स्टार्स में जाना है, ऐसे ही नॉर्मल कोई भी, मतलब आप सुपर स्टार ले सकते हो। एक सेकेंड, सब DLC वगैरह हैं ये। अभी ये सब ना जो है ना खोलूँगा मैं, धीरे धीरे खोलूँगा अभी मैं ये सब, ठीक है। अपना एज स्टाइल पे चले जाओ, अपना ये जो इसका ये है क्राउड बैलेंस वो कर देते हैं, ठीक है। सेव पे क्लिक करता हूँ, सेव ऑल सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम बैग आ जाएंगे। तो ये जो है ना, ये अरीना वाला जो सीन है ना, यहाँ पे सेव हो चुका है और इसमें अपना कम्युनिटी क्रिएशन वर्क कर रहा है। अब यहाँ से ना अपनी गेम को बंद कर दो, ठीक है। अब दोबारा से ना तुम्हें ये जो है ये खोलना है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है तुम्हें ब्रोक, ठीक है, ये टाइप करना है ब्रोक, ब्रोक लेसनर अनलॉक्ड, ठीक है। अब यहाँ पर टाइप करना है माय राइस, माय राइस, ठीक है, एंटर, माय राइस करेक्टर अनलॉक्ड, सारे करेक्टर अनलॉक हो गए हैं यहाँ पे। उसके बाद तुम्हें ना क्या करना है, इसका एक फोल्डर होगा, ठीक है, ये बेक मी करके जो फोल्डर है,
तुम्हें ना अपना केक व्यू टूल जो है ना इसको खोल लेना एक बार, ठीक है। न्यू बैक पे क्लिक करना है, उसके बाद तुम्हें इसका फोल्डर खोलना है ट्रिब्यूट का, और ये जो बेक मी वाला फोल्डर है ना, इस फोल्डर को सेलेक्ट करके ऑटो जनरेट करके यहाँ बेक कर लेना है। ये बेक हो गया, ठीक है। इस पार्ट को पूरे को कट कर देना है अब जो हमने किया था। अब हम चेक करते हैं कि ये सच में वर्क किया है या नहीं, या हमको पागल बनाया गया है, ठीक है। पहला स्टेप जो था वो तो वर्क कर गया, ठीक है। उसको बेक करना बहुत ज़रूरी था, अगर उसको बेक नहीं करोगे तो आपका ब्रॉक लेसनर नहीं खुलेगा। अभी वीडियो देखते रहो, केक व्यू टूल भी देने वाला हूँ मैं आज। ठीक है, गेम खुला। ओके, अरीना सारी खुली हुई है हमारी, ये ले लेते हैं। सीएम पंक, ये देखो कौन कौन से सीएम पंक, पाइपर, सीएम पंक 10। नॉर्मल सीएम पंक नहीं खुला है, पता नहीं कैसे नहीं खुला है, कोई बात नहीं। कार्लिटो भी नहीं खुला है, ये देखो भाई। ब्रॉक लेसनर का काउबॉय टायर, और सामने कौन होगा, रोमन रेंग्स। ये चेक करते हैं, ये चेक करते हैं, ये रोमन रेंग्स की एंट्रेंस नहीं दिखाने वाला, सिर्फ ब्रॉक लेसनर की दिखाने वाला हूं, क्योंकि ब्रॉक लेसनर में कॉपीराइट नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को पता है इतने दिनों से मैं खेल रहा हूँ, उसके म्यूजिक पे कॉपीराइट नहीं आता। रोमन रिंग्स के म्यूजिक पे कॉपीराइट आ जाता है, ट्राइबल चीफ का म्यूजिक है क्योंकि। ये देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। अभी तो मेरे को इसके अंदर बहुत कुछ करना है गेम के अंदर, अभी इसकी क्वालिटी को भी एनहेंस करूंगा मैं। The most decorated combat sports athlete ever, the beast, Brock Lesnar. भाई कमेंट्री भी साथ में। Showcase of the Immortals. Brock Lesnar has been a WrestleMania main eventer ever since his first WrestleMania, where he won the WWE title from Kurt Angle. Since then, he's had many main event encounters against the likes of Triple H and Roman Reigns, even ended the Undertaker streak. But this man has a WrestleMania chip on his shoulder after losing the championship unification match against Roman Reigns at the biggest WrestleMania match of all time. ओ भाई, ब्रॉक लेसनर काउबॉय लुक में। Plenty of history between Roman Reigns and Brock Lesnar, but those many brutal battles have done little to curb their animosity for one another. Roman sees Brock as lazy. यार ये ट्यूटोरियल बंद करना भूल गया। Entitled, a superstar who doesn't really care about what happens here in WWE, a place that Roman feels. तो गाइस, मेरा जो असली मकसद था वो ये था, आपको वीडियो दिखाना और आपको सिखाना कि भाई इसको कैसे करना है, ठीक है। बहुत इजी स्टेप थे,
इसमें कोई मतलब इतना ज़्यादा आपको फालतू का लेने की ज़रूरत नहीं थी रिस्क। तो गाइस प्लीज़ यार एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सब्सक्राइबर बढ़वा सकते हो अपने घर वालों के फ़ोन से तो कर देना, फ्री में दे रहा हूँ केक टूल, कोई नहीं देगा, बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये पूरी कर देना और वीडियो को पूरा देख लिया करो ताकि थोड़ी मेरे को हेल्प हो जाए, मेरा वॉच टाइम बढ़ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको अपना टेलीग्राम दिखा देता हूँ, ये है मेरा टेलीग्राम यहाँ पर चैनल, इस पर मैंने केक टूल्स की यहाँ पर फ़ाइल डाली हुई है, ये फ़ाइल बहुत ज़रूरी है, इसकी एक अलग से वीडियो आएगी, मतलब आपको चलो वीडियो क्या मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं इसमें भी बता देता हूँ, ये जो दोनों फाइल है ना केक हुक 60 FPS ओनली रार और केक, आपको ना इन फाइल को ना एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है, और दोनों को कॉपी करके ना सिंपली पता है क्या करना है, अपना जो तुम्हारा ये जो 2K24 का फोल्डर है ना यहाँ पर आके बस उसको पेस्ट कर देना है, आपको कुछ नहीं करना, आपका केक टूल वर्क करेगा। ठीक है, केक व्यू टूल मैं यहाँ पर नहीं डाल सकता क्योंकि मैंने यहाँ पर डालने की, जैसे अभी मैं आपको सामने सामने दिखा देता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है ये देखो, मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ ना फाइल टू लार्ज दिखा रहा है, वरना मैं डाल देता। इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, हाय भेजो, सीधा आपको डायरेक्ट केक व्यू टूल का लिंक भेज दूंगा। तो टेक केयर गाइस, गुड बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।